दोस्तों एंटीना के ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आपका क्वेश्चन है, यह 16th क्वेश्चंस तक करवा दिया था, ये 17th है। ओके देखिए, क्वेश्चन है द बीम विथ बिटवीन फर्स्ट नर्व्स, दैट इज बी बीम विथ बिटवीन फर्स्ट नर्व्स, यही होता है ना, ऑफ एन यूनिफॉर्म लीनियर एरे ऑफ एन इक्वली स्पेस्ड एलिमेंट स्पेसिंग डी इक्वली एक्साइटेड एंटीनाज इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, अ यूनिफॉर्म लीनियर एरे कैन बी ब्रॉड साइड और एंड फायर, दोनों हो सकता है। यूनिफॉर्म लीनियर एरे कैन बी ब्रॉड साइड और आप कह सकते हैं कि ब्रॉड साइड भी हो सकता है और एंड फायर एरे भी हो सकता है। तो ब्रॉड साइड जो होता है, इट इज एन एरे ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच रेडिएशन इज मैक्सिमम, और मेन लोब जो होता है, मेन लोब इट अकर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ एरे, ठीक है। एंड एंड फायर जो होता है, इट इज एन एरे ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच मेन बीम अकर्स अलोंग एक्सिस ऑफ एरे, ठीक है। तो फॉर ब्रॉड साइड एरे, अगर हम ब्रॉड साइड एरे बीएसए की बात करें, ये बीएसए है, ब्रॉड साइड एरे के लिए जो नल टू नल बीम विड्थ होती है, वो होती है ट्वाइस लैम्डा बाय एन डी। और जो एंड फायर एरे होता है, जो आपका एंड फायर एरे होता है, दिस इज इक्वल टू, इसका जो बीम विड्थ होता है वो टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस लैम्डा बाय एन डी होता है। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ एंटेनाज इन द एरे, डी इज द स्पेसिंग, ये स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स होती है, डी इज द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स होती है। एंड एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंटेनाज इन एरे। तो बीम विड्थ फॉर बोथ एरेज इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट एन एंड डी। तो इसने बोला है बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल्स ऑफ ए यूनिफॉर्म लीनियर एरे ऑफ एन इक्वली स्पेस्ड इक्वली एक्साइटेड एंटेनाज इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट एन डी। दोनों को एन डी के प्रोडक्ट के बिना नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि अ ट्रांस टीईएम वेव विद सर्कुलर पोलराइजेशन इज रिसीव्ड बाय अ डाइपोल एंटीना, ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच द पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी फ्रॉम द वेव टू एंटीना इज रिड्यूस्ड टू अबाउट। देखिए, टीईएम वेव का सर्कुलर पोलराइजेशन, टीईएम वेव में पता है कि एक्सजेड जीरो और ईजेड जीरो दोनों होता है, ठीक है। इट इज रिसीव्ड बाय अ डाइपोल एंटीना जो कि कैसा है, लीनियरली पोलराइज्ड है, इट इज लीनियरली पोलराइज्ड, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी एनी मिसमैच एंड द वेव विल बी रिसीव, तो आंसर होगा 0%, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो मिसमैच। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टीईएम वेव इज रिसीव्ड बाय अ डाइपोल एंटीना, पोलराइजेशन मिसमैच की वजह से पावर एफिशिएंसी कितने से रिड्यूस होगी, तो 0%, कोई भी मिसमैच नहीं होगा। देयर विल बी नॉट एनी मिसमैच एंड द वेव विल बी रिसीव्ड, नो मिसमैच एंड वेव विल बी रिसीव्ड एज इट इज, वेव विल बी received, okay? Next question है आपका, ये वाला question है। इस question में देखिए, a 1 kilometer long microwave link uses two antennas each having 30 dB gain. If the power transmitted by one antenna is this much and the power received by other antenna is, देखिए link distance आप देखिए, r, ये क्या है आपका, link distance है। link distance आपको दिया है 1 kilometer, okay? यानी कि 1000 meter के equal हो गया। एंटीना गेन आपको जीटी कितना दिया है, 30 dB, दैट मींस 10³, 1000 हो गया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, जीआर। ये जीआर है क्योंकि इसने बोला यूजेस टू एंटेनास। अब आप इसमें देखिए, जो पावर ट्रांसमिटेड है पीटी कितना दिया है, 1 watt, एंड जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये 3 GHz दिया है, जो वेवलेंथ दिया है ये आपको कितना है, 1 kilometer wavelength, lambda is equal to c by f से जब आप निकालोगे तो ये कुछ 10 cm यानी कि 0.1 meter आएगी। अब आपका जो पावर डेंसिटी होगा, पावर डेंसिटी एट 1 kilometer वो कितना होगा, pt gt by 4πr², तो pt कितना दिया है आपको, 1 watt, gt आपको कितना दिया है, 30 dB, 10³, और 4πr², 4π into 1 kilometer means 10³ का square, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतने वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, जो जी है, दिस इज इक्वल टू 4πae बाय लैम्डा स्क्वायर, है ना, और
आप कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू जी लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पी आर होगा वो कितना हो जाएगा, ए ई ऑफ आर टाइम्स ऑफ पी डी, यही होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जी लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू पावर डेंसिटी कितनी दिया है आपको, ये कुछ आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 10 क्यूब, ऊपर से जो इस इक्वेशन से आया। ठीक है, अब इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो ये कुछ आएगा आपका ये पी आर है, ये कुछ आ जाएगा रिसीव पावर आपका 63.4 माइक्रोवॉट। इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल साइंस में देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया है मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो गया ये, मतलब मिसप्लेस हो गया। अ पैराबोलिक डिश एंटीना हैज ए कॉनिकल बीम, हैज ए कॉनिकल बीम ऑफ 2 डिग्री वाइड, यानी कि डायरेक्टिविटी पूछ रहा है, डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना इज, देखिए इसमें जो डायरेक्टिविटी ऑफ पैराबोलिक डिश है, अगर मैं देखूं, दिस इज इक्वल टू 41253 डिवाइडेड बाय बीम विड्थ, यानी कि थीटा प्लेन इनटू बीम विड्थ 5 प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो गिवन प्रॉब्लम में आपको थीटा 3 dB कितना दिया है, एज अ कॉनिकल बीम ऑफ 2 डिग्री, इट मीन्स थीटा 3 dB भी आपका 2 डिग्री है और जो फाई 3 dB है वो भी आपका 2 डिग्री है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 41253 बाय हाउ मच, इट इज, इट इज नियर अबाउट, तो ये नियर अबाउट 40 dB। तो आंसर कितना आएगा, 40 dB। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे। देखिए, A transmitting antenna radiates 251 watt isotropically. A receiving antenna located, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पावर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना, पावर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना आइसोट्रॉपिकली, ये क्या है, आइसोट्रॉपिकली, ये कितना दिया है आपको, 251 वॉट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द एंटीनास कितना दिया है, 100 मीटर। अपर्चर एरिया, ये अपर्चर एरिया जो आपका अपर्चर एरिया है ऑफ रिसीविंग एंटीना, दिस इज इक्वल टू 500 cm², यानी कि 500 × 10⁻⁴ m². अब जो पावर रिसीव्ड होगा आपका, जो पावर रिसीव्ड होगा वो होगा आपका पी आर बाय 4πr² × अपर्चर, यही होगा ना। ठीक है, यानी कि पी टी होगा, पी टी, और ये अपर्चर एरिया होगा, अपर्चर एरिया। तो यहाँ पे पी टी कितना दिया है, 251 बाय 4π, और ये कितना दिया है, 100 square। ठीक है, इंटू अपर्चर एरिया कितना दिया है, 500 × 10⁻²। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 100 माइक्रोवॉट। तो आंसर कितना होगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये करके लाइएगा। टिल देन इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, एक्चुअली नंबरिंग नहीं लिखी मैंने, कोई बात नहीं, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल।